दिस एनिमे ब्रोक द इंटरनेट या टाइटल एकदम इसके साथ जाता है। आने के बाद एकदम धूम मचा दिया भाई, जितने लोग हैं वो लोग अपने फेवरेट लिस्ट में डाल रहे ये वाला एनिमे। तो या वी आर गोना टॉक अबाउट स्पाई फैमिली। स्पाई मिशन वक वक। देखो यहाँ पर कुछ दिन पहले अप्रैल से पहले जो एनिमे आए थे उनमें से सबसे ज्यादा टॉप किया, सबसे ज्यादा बढ़िया पोजीशन पे था वन एंड ओनली माई ड्रेस अप डार्लिंग। बट इस बार स्पाई फैमिली भी लाइक हटो यार अभी हमारा टाइम है, ठीक है। अप्रैल से एकदम हम राज करेंगी। इस एनिमे का अभी बस 3 एपिसोड आया, ठीक है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब सेकंड एपिसोड आया था तब इसने एकदम से वीक पे टॉप कर लिया भाई। तब आज रहे न्यू एनिमे वीक पे टॉप कर रहा हूँ विद जस्ट 2 एपिसोड्स ब्रो। एंड एटैक ऑन टाइटन को पीछे छोड़ दिया ऑन माल भाई साहब, ब्यूटी की रेटिंग को पीछे छोड़ दिया भाई, फक। ये अलग बात है कि यहाँ पर माल कितने लोग यूज करते हैं, बट स्टिल ब्रो इट्स अ बिग थिंग, कुछ तो है इसके अंदर ब्रो। अब इस एनिमे को देखने के पीछे अगर मैं रीजन बोलूँ तो ऑब्वियसली एनिमे आने से पहले जो मांगा जितना वायरल गया, जितना चला एंड जितनी पॉपुलरिटी मिली भाई, ऑब्वियसली सब लोग एक्साइटेड थे, सब लोग बहुत ज्यादा हाइप बना के रखे थे। एंड ऐसा होता है ना, एक हाइप बनने से ना एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाता है, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ भाई। बस फर्स्ट एपिसोड आया और बूम फोड़ दिया भाई एकदम से। व्हाई इट्स गेटिंग सो वेरी मच पॉपुलैरिटी, इट्स सिंपल ब्रो। एक नंबर मैं बोलूंगा कि बहुत ही अलग स्टोरी लाइन है, सब लोग कुछ अलग स्टोरी लाइन देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो चीज है। एंड ये वाला एनिमे बहुत ज्यादा फनी है, फनी बोल सकता हूँ विद थ्रिलर, बहुत मस्त है भाई इसके अंदर यार, एक्शन है भाई। फीमेल कैरेक्टर्स तो हमेशा सबका दिल जीत ही लेता है, बट इस बार बच्ची ने सबका दिल जीत लिया। या आई एम टॉकिंग अबाउट स्वीट लिटिल पीनट भाई, सच्ची बता रहा हूँ आनिया मेरे को बहुत ज्यादा क्यूट लगी भाई, बहुत ज्यादा क्यूट है ये। आई नो यहाँ पर तुम्हें से बहुत सारे लोग ये वाला एनिमे देख रहे हो, बट स्टिल एज ऑलवेज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने कभी देखा नहीं है, तो उन लोगों को मैं कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करा दूँ। उस बंदे को देख सकते हो, ही इज आवर एमसी एंड इसका नाम है लोइट और इसका कोड नेम है ट्वाइलाइट, ओके। उसके बाद ये क्यूट लिटिल छोटी सी बच्ची बहुत ही मस्त है, बहुत ही अच्छी है एंड इसका नाम है आनिया। एंड ये सबका दिल जीत लिया भाई एकदम। एंड हियर वन एंड ओनली, जिसके आने के बाद रेटिंग और भी ज्यादा बढ़ गई इस एनिमे के अंदर, हर नेम इज योर। एंड ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा मस्त है एंड ये तुम्हारा दिल जीतने वाला है, तुम्हारे वाइफ लिस्ट के अंदर आने वाली है, बट रिमेम्बर शी इज 27, ओके। एज डजंट मैटर व्हेन इट कम्स टू वाइफ लिस्ट, ओके। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये एनिमे देख रहे हैं बट अच्छे से स्टोरी लाइन कैच नहीं कर पा रहे कि मिशन एक्चुअली है क्या, इंस्टाग्राम पे सवाल करते हो, हाँ स्टोरी समझा। तो चलो यार स्टोरी शुरू करते हैं बिना कोई स्पॉइलर दिए, तो अच्छे से सुनना, ठीक है। इस एनिमे के अंदर यार दो नेशन से हम लोगों को इंट्रोड्यूस करा है, एक है वेस्टलिस एक है उस्तानिया, एंड दोनों के अंदर कुछ लगा रहता है, समझ रहे हो ना, मारपीट एंड ऑल, लाइक हमारे रियल लाइफ में दो कंट्री के बीच में, दो नेशन के बीच में होता है ना, लगा रहता है, तो वैसा ही कुछ है। एंड यहाँ से ना एक वार होने का चांसेस है बहुत खतरनाक, तो इस वार को रोकने के लिए जो दो में से एक नेशन है जिसका नाम है वेस्टलिस, उन्होंने अपना एक सीक्रेट एजेंट है जो तुम बोल सकते हो डिटेक्टिव, जिसका कोड नेम है ट्वाइलाइट, जो हमारा एमसी है उसका असली नाम है लॉइट, तो उसको भेजा उस्तानिया जो कंट्री है वहां पर, मतलब वेस्टलिस से उसको उस्तानिया जो नेशन है वहां पर भेजा गया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग बोल सकते हो वेस्टलिस से एक एजेंट को भेजा जिसका नाम है ट्वाइलाइट, जो हमारा एमसी है उसको भेजा उस्तानिया पे, वहां पर एक बंदा है डोनोवन डेसमोंड नाम का, ओके। वो बहुत ही खतरनाक एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक उस्तानिया के अंदर जो है उस नेशन का, एज आई ऑलरेडी सेड वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, डेसमोंड की बात कर रहा हूं, तो उस तक पहुंचना इज वेरी मच इम्पॉसिबल। तो एक प्लान बनाया, उसका जो बेटा है छोटा मोटा सब वो वहां का जो बढ़िया स्कूल है, एकदम बढ़िया लेवल का स्कूल, ठीक है, तो वहां पर वो स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो हमारा एमसी है स्पाई, वो उसके थ्रू उसके बाप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर तो वो ऐसे नहीं जा पाएगा, इसलिए एक फेक फैमिली बनाना शुरू करता, जैसे कि हम लोग देखते हैं वन एंड ओनली पीनट आनिया को, और यहाँ से धीरे धीरे फेक डॉटर फेक बीबी एंड सब कुछ मिला जुला के ये जर्नी जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रो। जैसे मैंने शुरू में बताया इसके 2-3 एपिसोड्स इसने एकदम सब कुछ हिला के रख दिया एंड एओटी को पीछे छोड़ दिया, कुछ रीजंस है। स्टोरी लाइन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा यूनिक है एंड लोगों को डिटेक्टिव वाली स्पाई वाली चीज देखने में एकदम मजा आता है, उसके साथ साथ फीमेल कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा मस्त है भाई इसके अंदर। हाँ योर की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा सच्ची में मस्त है यार, मतलब
समझ रहे हो ना। ओवरऑल आई वुड डेफिनेटली से इट्स अ वेरी गुड एनिमे टू वॉच, जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया दे शुड डेफिनेटली वॉच दिस एनिमे। और ये जो एनिमे इसके अंदर अभी तक बस 3 एपिसोड है, 25 एपिसोड आएंगे, 2 कोर में, 1 कोर चल रहा है 12 एपिसोड के, जो सेकंड कोर है वो फॉल 2020 को आने वाला, वही 13 एपिसोड्स। चलो ये था हमारा एनिमे रिव्यू एपिसोड 28। अगर तुमको जरा सा भी अच्छा लगे तो दबाओ लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा उसे दबा के ऑल पर सेट कर दो, और कमेंट करके बोल सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो अबाउट दिस एनिमे, नेक्स्ट कौन से एनिमे के ऊपर तुम लोग रिव्यू चाहते हो, एंड ऑल अगर बातचीत करने का मन करे तो पर टैक्स इसे डायरेक्ट लगा के यार इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहां पर बातचीत एंड सब कुछ कर लेते हैं। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।